you recommend movie, you're very good. हमें जाना जी, बड़े एक ज़रूरी काम, ठीक है? पर काम ये है, वो आपको जा कर बताएंगे, क्योंकि जाना है मुझे किसी जगह पर, इस एक जाना, ठीक है? फिर इंशाल्लाह रास्ते में सारा बताएंगे क्या क्या करना है वहाँ पर जाके। उस टाइम गए थे जी लीवा के डेजर्ट में, लीवा के डेजर्ट के बीचों बीच हमारी गाड़ी होगी स्ट्रक जनाब। तो हमें, मैंने ऑलरेडी जो है ना पहले इन्फॉर्म किया था भाई हमें 4x4 चाहिए, 4x2 नहीं, तो वो स्ट्रक हो गई। फिर अच्छी बात ये थी कि हमारे पास थी दूसरी गाड़ी उधर ही साइड पर, तो जनाब वो निकल गई गाड़ी हमारी। मसला ये होता कि उधर आके जो उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था वो भी इतना, यानी कह लें कि उसके अंदर अंदर से जाना बड़ा मुश्किल था। और जी मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो शाम की तरह गाड़ी चल रही थी वहाँ पर तो मैं अपने इंजीनियर साहब को बोल रहा था, मैंने कहा यार ये ना अभी ये जो ना वो पलट ना जाए इतनी, मतलब आप स्लो भी नहीं चला सकते बिकॉज ऑफ यू नो आपको मोमेंटम चाहिए। तो जनाब काफ़ी ज़्यादा जाना वो मेरे लिए काफ़ी टेरिफाइंग था। वो जाना जी हेड ऑफिस, दूसरे इंजीनियर साहब ने जाना है जी साइट पर। पहले मेरा दिल था साइट से जाएंगे ऑफिस में, बट कभी कभार गाड़ी नहीं मिलती तो यहाँ आप लेट हो जाएँ तो फिर अच्छा नहीं है, सही है। हाँ अपना काम करके इंशाल्लाह फिर वापस आएँगे, तो देखते हैं जी चलते हैं इंशाल्लाह। तो अभी ड्राइवर साहब नहीं आए, ठीक है वो आते हैं तो फिर निकलते हैं। अभी की वजह से जी हर बंदा ही बीमार हुआ बड़ा, ठीक है? मैं वो 4-5 दिन से जो है ना काफ़ी गला ख़राब था, कल तो इस तरह फील हो रहा था जिस तरह बाहर हो गए, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर है। लेना है क्या चीज़ चाहिए जी? हेड ऑफिस थोड़ा सा काम है इधर भी, ठीक है? तकरीबन 11 बजे निकलेंगे फिर इधर से। ये आ गई हेड ऑफिस, ऑफिस भी जनाब खुद खोलना पड़ता है। काम थोड़ा सा जो रह गया इधर पेंडिंग वो करना है, फिर जाना है जी दूसरी जगह। ऐसे भी निकलते हैं, 12 बजे का टाइम है, थोड़ा पहले पहुँचते हैं अभी इंशाल्लाह। फिर देखता हूँ टैक्सी पिक करते हैं या किधर से, क्योंकि पहले बेस्ट रूट जो है ना वो लोकेट करना है जी, फिर उस पर जाते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से तकरीबन है जी 7-8 किलोमीटर, तो टैक्सी लेके चले जाएंगे, बेस्ट है हमारे लिए भी, थोड़ा फिजिबल भी है। तो चलिए चलते हैं जी। एक्स्ट्रावर सीन्स सारा बड़ा मज़े का माहौल है, जैसे दुबई में है ना, उधर कह लें कि GLT सेम वैसा जी बना हुआ है। इंटरव्यू के लिए ठीक है, मज़ा ना इतनी ज़्यादा लगी है जी। देखें जी मेरा फ्लोर कितना, 46 फ्लोर पर जाना, ये ग्राउंड से स्टार्ट हुई है P1 P2। बहुत स्पीड है इसकी यार, बहुत स्पीड है, मतलब कैसे भाग रही है ये 46 फ्लोर। तो जी पहुंचने वाले हैं हम, देखें 20 21 22 23 24 25, स्पीड चेक करें इसकी जी, डरा दिए वैसे इसने चलें जी पहुँच आए बस। ये 40 बात ये है कि यहाँ पर थोड़ा इजी है, आगे 46 फ्लोर पे हमारी फ्यूचर कंपनी ये जा रहे हैं जी। लश मिलो आए इधर पहुँच गए, ये रहा जी हमारा जी, हम ले कर अपने रेडी कर रहे हैं। वेरी गुड, इतना मज़ा आया इंटरव्यू का, आई एम जस्ट लव इट। सारे नहीं आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे अल्लाह पाक ने ऐसा मतलब वो कमाल किया, लास्ट टाइम भी मैं इतना जो है ना ज़्यादा कह लें कि नहीं था कॉन्फिडेंट,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है जी, बेहतरीन हुआ जी इंटरव्यू, और ही सेड ही विल रिकमेंड मी, सो आफ्टर रिकमेंडेशन विल सी इंशाल्लाह क्या क्या बनता है जी सारा। ठीक है, इधर से आए थे इधर, अभी अभी बस का वेट करना है जी, बस का वेट करते हैं फिर निकलते हैं इंशाल्लाह, बस में चलते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, जाना फिर दोबारा बस, तो चलते हैं। उस दिन हम गए थे उस तरफ भी गए थे, आज ये बिल्कुल नई बिल्डिंग्स में, नाइस। ये वो जो टावर उनके नीचे खड़े थे, हम शेयर करते हैं आपसे, इधर भी आए थे जी टावर्स साथ मरिया आइलैंड पर, मरिया आइलैंड का जो पुल है जी वो जा रहे हैं अंदर उधर, उसका ये मरिया आइलैंड जी, इधर आ गए अपने कसरुल हसन हमदान पे जा रहे हैं सीधा अपने जी, आ गए हैं जी वापस अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले चलते हैं, अपना एक्चुअली लैपटॉप उधर ही था मेरा पड़ा हुआ, खाना भी उधर ही है, चल के खाना खाते हैं, अभी ब्रेक का टाइम है, फिर जो इधर के डॉक्यूमेंटेशन जो रह गए थे वो पूरे करते हैं। और मुझे जाना था वैसे साइट पर लेकिन मैं नहीं जा पाया, तो चले अभी देखते हैं क्या बनता है। आई फील वेरी हंगरी, देखिए एट फ्लोर पर मैं और ये बंदा बेचारा कर रहा सफाई, समझ आ रही है आपको, अंदाज़ा करें यार। चलते हैं, हो गए फ्री, चलते हैं वापस घर। तो ये जनाब 6 बजे, तो चले निकलते हैं, चलते हैं वापस। आज भाई साहब जब हम आए हैं, ठीक है जी, अफजल भाई साहब, उन्होंने जाना जी पाकिस्तान, शायद उनको छोड़ने भी जाना पड़े जी, हाँ एयरपोर्ट पर, या ये भी हो सकता है कि कोई यहीं से सी ऑफ कर दे, बट खाना खाने जाना है उनके साथ, तो चले चलते हैं जी जल्दी जल्दी। चुनियाँ भरी हुई हैं सारी की सारी, हाँ निकलते हैं वापस, हम जा रहे हैं जी, अंधेरा हो गया होगा काफ़ी, ये सही है इधर से, ठीक है जाना, ठीक है जी। तो अभी देखते हैं कि वो कब तक उन्होंने जाना, खाना खा के गएंगे इंशाल्लाह। तो आज भी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया जी, आज इंटरव्यू का भी बड़ा कमाल लगा, क्योंकि एज़ पर माई इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस उन्होंने जो जो पूछा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। एक दफ़ा जब मतलब पहले मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया, बाकी तो फिर जी मैंने उनको एक्सपेक्टेड सैलरी और वो बता दी तो मुझे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा, मैंने कहा हाँ जी अभी हम डिमांड कर सकते हैं, तो कहते हैं अच्छा चले ठीक है हम आपको बताएंगे, बट उन्होंने बोला कि जी विद इन 15 डेज़ आपने ज्वाइन करना है, तो ओके देखते हैं इंशाल्लाह अभी क्या बनता है, देखें अल्लाह करीम इंशाल्लाह। अल्लाह कमेंट्स भी बड़े अच्छे थे उनके, तो फ़न भी था एक इंटरव्यू का, बेसिकली जॉब का तो चले था ही मतलब वो चेंज करने का, बट उससे भी सबसे बड़ी बात ये थी कि आई वांट टू चेक कि मैं कहाँ तक लाइक कर रहा हूँ, यानी एक किस्म की ये रिहर्सल होती रहती है, तो आपको ना इंटरव्यू फेस करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जब मैंने क्योंकि काफ़ी अर्सा छोड़ दिया 2021 में दिए, फिर उसके बाद से आप ये दो तकरीबन ऑलमोस्ट इकट्ठे दिए, समझ लें कि एक दो माह पहले दिया और एक अभी दिया, उसका भी मतलब वो भी क्यू में है, बट अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ जो भी है वो आई द गोल आई हैव इन माई माइंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रीच इंशाल्लाह, तो कोशिश करनी चाहिए, बाकी नतीजा तो अल्लाह पाक ज़्यादा देने वाली इंशाल्लाह। जी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं वापस, तो मैं इंशाल्लाह पहले भी आई थिंक थोड़ा सा बताया था क्वेश्चन, बट हाउ टू गिव एन इंटरव्यू, बट इंशाल्लाह एक पूरी की पूरी वीडियो है, उसमें मैं ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी जो एज़ पर माई बेस्ट जो है ना नॉलेज, ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी गाइस, तो आ गए हैं हम वापस, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो जी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा,
नॉट ओनली कि मैं उसका आंसर दे पाऊँगा, बट ओनली कि अगर मुझे उसका आंसर नहीं आता तो मैं कुछ आपसे सीख लूँगा जी। ओके जी, सो प्लीज़ लाइक योर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।